हल्द्वानी आरटीओ प्रशासन ने फर्जी तरीके से वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हल्द्वानी आरटीओ संदीप सैनी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ हल्द्वानी विमल पांडे एआरटीओ रामनगर संदीप वर्मा द्वारा गठित टीम ने वाहनों के फर्जी प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। आरटीओ संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लालकुआं क्षेत्र में यह जानकारी मिली थी कि वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिस पर आज गठित टीम ने लालकुआं में बगैर वाहनों के फोटो के माध्यम से प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को पकड़ लिया है, जिनके खिलाफ लालकुआं कोतवाली में FIR दर्ज करने की तैयारी है। इसके अलावा प्रदूषण केंद्र के लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रबंधन आयुक्त देहरादून को रिपोर्ट भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह की फर्जी तरीके से प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। ये देखिए, हमने हल्द्वानी में भी, उधर रामनगर एआरटीओ साहब ने रामनगर के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कई जगह पर प्रदूषण जांच केंद्रों को जांचा। हमने रिपोर्ट भी दी आरटीओ साहब को इसके संबंध में, और गड़बड़ है इसीलिए हम लोग जांचते हैं। गड़बड़ होने की संभावना, हमको शिकायतें मिलती हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, तो हमने ये आरटीओ साहब ने आरटीओ सर ने टीम बना दी है और हम लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे। हम इसमें नए नए फॉर्मूले सोचेंगे कि किस तरीके से हम उन लोगों को पकड़ सकें। सर, अभी कितने लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई आपके? नहीं, मेरे द्वारा जो इससे पहले 6-7 लोगों को चेक किया गया, उनमें मुझे कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई दी। और लालकुआं क्षेत्र से हमें शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है, तो हमने 2-3 दिन पहले जाके वहाँ रेकी की थी और जो हमें सूचना उपलब्ध हो रही थी उसके आधार पर हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट किया, एक प्लान बनाया, अपने कर्मचारी को हमने उपभोक्ता कस्टमर बना के भेजा और वो फिर प्रमाण पत्र उसने जारी कर दिया फोटो के आधार पर। और उसके इस प्रकरण के पूरे प्रकाश में आने के बाद जब चीज़ें सामने आई तो संबंधित प्रदूषण जांच केंद्र के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। तो ऐसी क्या कार्रवाई की जाएगी जिससे आगे कुछ ऐसा? मेरे ख्याल से इनका प्रदूषण जांच केंद्र निलंबित हो सकता है, निरस्त हो सकता है, इस तरीके की कार्रवाई होगी। हमारे को लालकुआं क्षेत्र से विशेषता ये कंप्लेंट काफ़ी समय से आ रही थी कि वहाँ बिना गाड़ी ले जाए कोई भी व्यक्ति जो है फ़ोन से प्रदूषण का सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। तो उसमें हमने टीम बनाई थी जिसमें हमारे एआरटीओ प्रशासन विमल पांडे जी और एआरटीओ रामनगर संदीप वर्मा जी थे, 4 लोगों की टीम थी। पहले हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ रेकी करी, देखा कि ऐसे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद एक जो इस टाइप का काम कर रहे थे उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस को तहरीर दी गई है कि अगर इसमें और भी आगे जाँच करें वहाँ पर लालकुआं क्षेत्र में, अगर ऐसी कोई और चीज़ें मिलती हैं तो उस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, अभी कुछ संस्थाएं और हैं जिनके द्वारा भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, क्या आपकी टीम लगातार काम करती रहेगी? बिल्कुल, अब हम इसमें और वृहद स्तर पे हमारे पूरे संभाग में जितने भी प्रदूषण जांच केंद्र हैं और जितने भी ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी काम में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ये अभी वृहद स्तर पर हम 15 दिन के अंदर सभी प्रदूषण जाँच केंद्रों को सत्यापित करेंगे।